नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्जायारं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंदकुंदाति वजेन्द्रमो सुमंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतुसहासनं निधायाजानिके कमकलंकडे नचलंजननानमैत्रेयपरमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते ऊंट की सवारी पर स्थिरता संभव नहीं है। जब ऊंट मटकेगा तो तुम्हारा आसन भी मटकेगा, नहीं चाहोगे तो भी। ऐसे ही अध्रुव वस्तुओं के सहारे, अनित्य संयोगों के सहारे, क्षण क्षण में बदलने वाली पर्यायों में अहमपना करके ये जीव का चित्त स्थिर होना संभव नहीं है। चंचलता रहेगी, और चंचलता ही नहीं है, विपरीतता है। अकंप भूमि निष्कंप का आश्रय करे तो ये अकंपता हो सकती है, पर श्रद्धा अकंप श्रद्धा इति कंपाय सांभो। अब ये कह रहे थे कि भूमि और पैर हैं कहाँ, अकंप भूमि स्थिर आसन। बहिरात्मा की दृष्टि शरीर पर जाती है, शरीर से देखता है, लेकिन विचार करो कहाँ है भूमि, कहाँ है आसन, कहाँ है हाथ पैर, कहाँ है। तात्पर्य सबका एक ही है, ये तो दृष्टांत है। ज्ञान मात्र भाव परिणामिक भाव है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय का एक अर्थ तत्वा सूत्र में निष्क्रियाणी चय क्या अर्थ है, उस प्रसंग में क्या अर्थ है निष्क्रिय का। धर्म अधर्म आकाश काल निष्क्रिय हैं, वहां क्या अर्थ है, उनका क्षेत्र अंतर नहीं होता। आकाश पूरे में है तो कहां जाएगा, धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में है तो कहां सरकेगा, अधर्म द्रव्य कहां सरकेगा, काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर है तो कहां आगे पीछे होंगे। वहां निष्क्रिय का मतलब क्रिया वती शक्ति और भाववती शक्ति आई ना, जीव और पुद्गल में क्षेत्र का क्षेत्रांतर होता है क्रियावती शक्ति। तो वहां क्रियावती शक्ति की बात कही है, मतलब क्षेत्र का क्षेत्रांतर नहीं होता। और एक निष्क्रिय का मतलब क्रिया रहित, तो क्रिया रहित कोई द्रव्य नहीं होता। कर्ता कर्म क्रिया, परिणामी परिणाम और परिणति, ये तो सर्व द्रव्यों में होंगे, परिणमन तो होता है। जैसे प्रवचन सार जी में एक विषय आया, पहले बताया था कि सिद्ध भगवान में को व्यय रहित उत्पाद हुआ है और उत्पाद रहित व्यय हुआ है। संसार अवस्था का व्यय हुआ, अब कभी उत्पन्न नहीं होगी, और केवल ज्ञान आदि आत्मिक गुणों का उत्पाद हुआ है, अब उनका कभी व्यय नहीं होगा। फिर भी वे उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक हैं, क्यों, द्रव्य का लक्षण है वो तो मिटेगा नहीं। अर्थात उन्हें केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का व्यय, केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ। अनंत सुख का व्यय अनंत सुख का उत्पाद हुआ, सुख का व्यय होकर के दुख का उत्पाद नहीं होगा, ज्ञान का व्यय होकर के अज्ञान का उत्पाद नहीं होगा। तो प्रासंगिक अर्थ समझना चाहिए। ऐसे ही क्रिया का अर्थ इस प्रसंग में क्या है, इस प्रयोग और परिणामिक भाव में क्रिया का क्या मतलब,
कभी कोई मान लो एक बम्बई है तो उसको देखा टाइम बम रखा था, उसको निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का मतलब क्या हो गया, उसकी अब वो प्रतिक्रिया नहीं होगी, माने वो बम विस्फोट नहीं कर पाएगा, निष्क्रिय कर दिया पहले ही, डेड। पारिणामिक भाव निष्क्रिय है, क्या मतलब हुआ, ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें संसार, जिसे संसार होता हो। पारिणामिक भाव को निरपेक्ष कहा, निरपेक्ष का क्या अर्थ किया, उदय उपशम क्षय, क्षय उपशम से निरपेक्ष है, उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम से निरपेक्ष है। कैसा ही उदय हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कहा था ना आत्मा अप्रभावी तत्व है। अगर हम जगत की घटनाओं से प्रभावित न हो ऐसा चाहते हैं तो आत्मा का आश्रय करना चाहिए। आत्मा अप्रभावी तत्व है तो आत्मा का आश्रय करने वाला जीव, आश्रय का मतलब अनुभवन करने वाला जीव अप्रभावित रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाप के उदय में दुखी नहीं होगा, पुण्य के उदय में सुखी नहीं होगा, उसको न राग होगा न द्वेष होगा न हर्ष होगा न विषाद होगा, कुछ नहीं होगा, अप्रभावी रहेगा। जैसे तिरने की वांछा करने वाले जीव को पानी पर तिरते हुए जहाज का या नाव का आश्रय करना चाहिए, पत्थर की नौका का आश्रय करने वाला तो क्यों, जब नाव डूबेगी तो, अरे पत्थर की नाव का आश्रय करने वाला डूबेगा और अहंकार व सोने की नाव का आश्रय करने वाला भी डूबेगा, राजा का अहंकार कि हम काठ की नाव में पार क्यों होंगे, हम तो सोने की नाव, हम राजा हैं, अरे तू राजा है बना रहे भाई। पानी से तिरना है तो सोने की नौका नहीं, पानी के ऊपर तिरती हुई अच्छे दिनों का चाहिए। ऐसे ही विश्व के ऊपर तिरता हुआ, तिरते का मतलब भिन्न रहता हुआ, तिरते का मतलब भिन्न रहता हुआ, उसमें डूबता नहीं, भिन्न रहता हुआ आत्मा वही भव सागर से दुर्विकल्पों से तिरने का उपाय है। नहीं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक विकल्पों में डूब जाता है, उन्हीं में डूबा रहता है। और डूबने वाला व्यक्ति घुटता है तो ऐसे विकल्पों में उलझा हुआ जीव बस वहीं घुटता रहता है, उनसे निकलने की युक्ति नहीं मिलती। भयभीत रहता है, कंपायमान, कंप का दृष्टांत भी आपने सुना हुआ, कंप का एक कंप रोग होता है और एक अकड़ रोग होता है, लेकिन दोनों वायु रोग हैं, दोनों रोगों का कारण एक ही है, एक तरह का कंप रोग अकड़ रोग। ऐसे ही पुण्य का उदय और पाप का उदय, पाप के उदय में कपता है और पुण्य के उदय में अकड़ता है। अकड़ भी रोग है, कंप भी रोग है, स्वस्थ होगा न कपेगा न अकड़े, लचीलापन रहेगा उसमें, शरीर की स्वस्थ की बात है। ऐसे ही जो स्वस्थ आत्मा है, स्वसमय है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, वे जीव अकंप रहते हैं। कहीं पाप का उदय आ गया तो, अरे अज्ञानी तो उदय आने के संभावना मात्र से भयभीत है, कहीं मरण की संभावना मात्र से भयभीत है, कहीं हम बीमार पड़ गए तो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं हमारा पैसा चला गया तो, हमारा पद छिन गया तो करके ही दुखी है। हुआ नहीं है कुछ, लेकिन संभावना मात्र से दुखी। और ज्ञानी के जीवन में ये सारी घटनाएं आ जाएं
मतलब रोग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मरण आ जाए, तो अभी वह भयभीत नहीं अकंप है। कैसी ये लाइनें लिखी गई होंगी, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं भय मुझको क्या। संस्कृत में पूज्य बा स्वामी ने लिखी, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यम, न मे मृत्यु कुतो भीति, जब मेरे मौत होने का की कोई संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, तब भय कैसे होगा बता। दुख का है बात का प्रसंग, जब हो ही नहीं सकता उसकी कोई प्रसंग ही नहीं, ये तो बाल बुद्धि है, कान कौआ ले गए तो वो रोने लगा। अरे कान कोई ऐसी चीज है जो कौआ ले जाए, आत्मा कोई ऐसा तत्व है, ऐसा द्रव्य है जो मर जाए। आत्मा की जो विभूति है, संपदा है, वह कोई ऐसी चीज है जो कोई छीन ले वे। ये प्रभाव पर के आश्रय से ही होते हैं, तो ज्ञान मात्र भाव व अकंप भाव है। भूमि भूमि तो उसको समझाने के लिए कही, क्या करें, अकंप भाव है, कंपायमान नहीं होता उसमें, निरपेक्ष भाव है, निष्क्रिय भाव है, फिर भी है, भाव रूप है, अभाव नहीं है, ध्यान रखना। उस ज्ञान मात्र भाव का आश्रय अर्थात अनुभवन करने वाले जीव अकंप रहते हैं। देह का नाश होगा तो होगा, वो तो होगा, उसमें भी अकंप है। देह के नाश से, देह के वियोग से मेरा नाश नहीं होगा, एक तो ये है, और एक देह का नाश होगा ही होगा, इसमें भी निष्कंप है, इसमें भी निशंक है, कोई शंका नहीं है। ये पुद्गल है, पुद्गल का जो परिणमन है वो होगा, गलेगा भी है, धीरे धीरे क्षीण होगा, एक दिन इसका वियोग होगा, होगा निश्चित है ये बात, इसमें भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकरों का भी शरीर नहीं रहा, तीर्थंकरों का भी शरीर नहीं रहा, कैसा पुण्य का उदय, कैसी बाहर के समोषण आदि की भूति, कुछ नहीं रहा। आत्मा अकेला है और अकेला ही रहता है, संयोग में ये जीव संयोगों के मोह में, ऐसे समझो, अपने एकत्व को भूल जाता है, संयोगों के मोह में अपने एकत्व को भूल जाता है। क्या है मोह, पर में एकत्व हो जाता है, उसका अर्थ करो, इस शरीर में एकत्र होकर के ये मान लेता है मैं मनुष्य हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, तो ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, ज्ञायक हूं। तो ज्ञान मात्र जो भाव है वह अकंप भाव है, निष्क्रिय भाव है, निरपेक्ष भाव है, चाहे कैसा उदय हो अथवा कोई उदय न हो, ऐसा कोई जीव है जिसके किसी प्रकार का उदय नहीं है, न पुण्य का उदय न पाप का उदय है, कोई जीव अरे है ना, सिद्ध भगवान देवी तो जीव है, संसारी और मुक्त सिद्ध भगवान है, उनमें किसी प्रकार का कर्म नहीं है, कर्म का उदय नहीं है। कौन सा शरीर होता है सिद्ध भगवान के, यार पांच प्रकार के शरीरों में क्या कोई नहीं, न औदारिक, न वैक्रियक, न तेजस, न कर्म, न आरक, कुछ कोई शरीर नहीं। कितनी इंद्रियां होती हैं, एक भी नहीं। कौन सा संगनन होता है, कोई नहीं। इसीलिए तो सिद्ध दशा से स्वभाव को समझाया, जैसे सिद्ध भगवान की इंद्रियां नहीं है, ऐसे तेरे स्वभाव में भी इंद्रियां नहीं है। सिद्ध भगवान के कर्म नहीं है, ऐसे तेरे ही कर्म नहीं है, कर्म न्यारे हैं, कर्म के बीच में रहे, इससे क्या फर्क है। अपन अकेले बैठे हो क्या, समूह में बैठे हो, आखिर बैठे तो अकेले,
अकेलेपन का मोह के कारण अनुभवन नहीं करता एक आत्मा, ये लगता नहीं हम अकेले, सब जने तो हैं। अरे सब जने हैं, भिन्न है क्या? इतने लोग तो हैं, अकेले कहां? अरे इतने लोग हैं लेकिन ये सब भिन्न हैं, इसलिए जीव सदा अकेला है, अकेला है और अकेला नहीं मानता, इसका नाम मिथ्या दर्शन, और अकेला है और अकेला ही अनुभव करता है, इसका नाम संबंध। सम्यक दृष्टि को सम्यक भाव होंगे सम्यक ज्ञानी को, अर्थात साम्य भाव होगा, वितराग भाव होगा, सुख होगा, प्रभुता होगी। मिथ्या दृष्टि को अज्ञान होगा, कसाएं होंगी, इसलिए दुख होगा। अकेला मानने वाला जीव, अकेला दिखने वाला जीव, उसे फिर कोई मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्रोध आदि नहीं होंगे, तो दुख नहीं होगा, और यही हमें इष्ट है। दुख भी चाहने से, दुख भी दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए चाहने से दूर नहीं होता, सुख भी चाहने से नहीं मिलता। सुख का उपाय होगा तो सुख होगा, दुख का कारण होगा तो दुख होगा, आत्मानुभव होगा तो सुख होगा, और पर में एकत्व बुद्धि होगी तो दुख होगा, होगा नहीं चाहने पर भी, चाहने से नहीं होता। तुम खूब चाह हम पैसा वाले हो जाए, पुण्य होगा तो पैसा होगा, नहीं पुण्य होगा तो पैसा नहीं होगा, उस जाति का ध्यान रखना। चाह स्वयं राह नहीं है, बताया था, चाह स्वयं राह नहीं है, चाह हो तो राह मिल सकती है खोजे तो, लेकिन चाह ही नहीं है हमें नहीं चाहने। अब नहीं चाहने तो फिर क्या राह मिलेगी? जैसे किसी को धन की चाह है तो धनी के पास जावे, धन की प्राप्ति का उपाय पूछे तो उसको उपाय मिल सकता है, और धन की क्या हमें चाह? अब मुनराज को कब धन होगा? उन्हें चाह ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। कोई गाथा है? जो चाहवान व्यक्ति राजा की सेवा करता है उसको राजा उसकी वृत्ति देता है, वृत्ति अजीब का कहो, उसको उस प्रकार की प्राप्ति वस्तु देती है। अब जो निर्वांचक भाव वाला जीव है उसको राजा क्या दे? और एक अपने तुम्हारी लौकिक भाषा बोल दे, केवल अपने शौक के लिए, केवल अपने उपकार की भावना से कोई सर्विस करता हो, बहुत से लोग देते सेवाएं देते हैं, अपने धर्म संस्थानों में देते हैं, लौकिक संस्थानों में हमारे प्रोफेसर थे एक तनखा नहीं देते, तुम्हारे राष्ट्रपति एक बैग लेकर के गए थे और एक बैग लेकर निकले आए, तनखा नहीं लेते, ले और उसी में जमा कर दी, ली और उसी में जमा कर दी। अब बताओ उनको कितनी तनखा दें? भाई उन्हें लेते ही नहीं वो। ऐसे जो कर्म के फल से निर्वांचक हो गए हैं उनको कर्म क्या देगा? कर्म के फल से जो निर्वांचक हो गए हैं उनको कर्म क्या फल दे? कर्म का फल आए तो आए, आए तो आए, लेकिन वे उसे ग्रहण नहीं करते। देखो लौकिक में भी आप बड़े चतुर हैं, जो आपके काम की चीज है वो धरी रहे तो आप कुछ नहीं हाथ लगाते, थाली में जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं छूते, कहते ना। तो फिर ऐसे संसार में जो आपके काम की चीज नहीं है खत्म, ग्रहण मत करो, बनी रहेंगे, पाप का उदय है बना रहेंगे, पुण्य का उदय है बना रहेंगे, इस संयोग अनिष्ट संयोग तो मिष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो,
ग्रहण मत करो, अर्थात उसमें अपनत्व मत करो। लेकिन जो जीव अपने को नहीं जानेगा उसका परद्रव्यों में अपनत्व हुए बिना रहेगा नहीं, निश्चित है ये होगा उसको अपनत्व। उसने एक लाइन बोली थी ऐसी, जिसको भेद ज्ञान नहीं होगा उसको अभिमान हुए बिना नहीं रहेगा, निश्चित। कोई कहे भेद ज्ञान नहीं है और अभिमान नहीं है, झूठ बोलता है। जिस पदार्थ का लक्ष्य करेगा अष्टौ आश्रित मानित्व, स्वाश्रित निर्माणित्व, माने जो पर का आश्रय करेगा तो उसे मान होगा, स्व का आश्रय करेगा उसको मार्ग धर्म होगा। पर का आश्रय करे तो कर्म होगा, क्रोध होगा, मान होगा, माया होगी, लोभ होगा, अब जिस प्रसंग में जो हो जाए। और जो स्व का आश्रय करेगा उसको क्रोध के प्रसंग में भी क्रोध नहीं होगा, बक समझ में आया, क्रोध के प्रसंग में भी क्रोध नहीं होगा। हैं, अब भूमिका के अनुसार अलग अलग समझ लेना चाहिए। बोलो इसमें। जिनेन्द्र भगवान के भक्त को, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के पर श्रद्धा वाले जीव को लोक निंदे क्रोध नहीं होगा, बड़ा गुस्सा मारो भैया, ऐसा क्रोध नहीं होगा जिसकी लोग निंदा करें, लोक निंदे क्रोध नहीं होगा। अनंता सम्यक दृष्टि जीव को भले अविरति हो तो भी अनंतानुमंदी क्रोध नहीं होगा, क्रोध में आकर के वो देव गुरु का ही अनादर कर दे, वे धर्म को ही छोड़ दे, वे ऐसा क्रोध नहीं होगा। देशवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान क्रोध नहीं होगा, क्रोध इसी प्रकार मान माया लोभ सब लेना, क्रोध आदि उस प्रकार के नहीं होंगे। वह जीव किसी की ना सुने, लेकिन भगवान की ना सुने, गुरु की ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की नहीं माने ये तो हो सकता है कभी सम्यक दृष्टि, लेकिन भगवान की नहीं माने, गुरु की नहीं माने, शास्त्र की नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आमने सामने खड़े हो गए भरत और चक्र बावली, ये तो आ गया उस प्रकार का प्रत्याख्यान, लेकिन श्रद्धा से चलायमान नहीं हुए, अनंतानुमंदी मान नहीं आया, देवगुरु को नहीं गिने, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई निराशा मिल जाए किसी कार्य में, किसी कार्य में निराशा मिले तो डिप्रेशन आत्मघात की सोचता है, आत्मघात की तो सोचता है, लेकिन बावली और भरत कब आमने सामने हुए, भरत को भी खिन्नता हुई, बावली को भी खिन्नता हुई, और निर्णय कुछ हुआ नहीं, समझ गए, निर्णय के कुछ नहीं, चक्र उन्होंने फेंका और वो चक्र उनके हाथ में बावली के में पहुंचा नहीं, चक्र ने सिद्ध कर दिया चक्रवर्ती भरत है बावली नहीं, और युद्ध की दृष्टि से बावली ये खड़े हैं, बावली झुकने को तैयार नहीं, और चक्र लौट करके भरत के पास आ गया, समाधान क्या है, आधा आधा कर दो, सो भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देखो समाधान निकल गया बावली, मतलब ये है। तो हम ये कह रहे हैं लौकिक जीव तीव्र मोही जीव ऐसे प्रसंगों में क्या, जैसे मत जाओ जो अच्छी मर क्यों जाओ, आत्म साधना करो ना, श्रेणिक ने जरा सा वो प्रसंग बन गया तो उन्होंने कहा मर जाओ इससे तो अच्छा, उस समय सम्यक दर्शन नहीं था ना, और ये दोनों सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, तो वे संसार से निराश होकर आत्म साधना में लगे, निराशा निराश सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही निराश है,
उसे पहले से ही आशा नहीं है किसी की, विधियों की आशा नहीं इनके, पहले से ही निराश है। अब वह आत्म साधना में लगेगा, भयभीत नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, आत्मघात का विचार नहीं करेगा, ऐसी कथा नहीं, ऐसी गुस्सा नहीं है कि मर जा, गोली खा ले, फांसी लगा ले, आग से जल जाए, नदी में डूब जाए, रेल से कट जाए, ऐसी ऐसा क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है ये कर्मोदय के खेल हैं, जहां जाएंगे वो कर्म संग जाएंगे, फिर क्या होगा, कर्म की या तो निर्जरा करो नहीं तो वो ऐसे कहने वाले तो बहुत होंगे, हमें मोह नहीं है, हमें किसी से मोह नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, झूठ बोलते हैं। किसके आश्रय से तुम्हारे मोह का अभाव होगा जो बता, यदि मोह नहीं है तो सम्यक होना चाहिए, वेद ज्ञान होना चाहिए, निशंकता होना चाहिए, निर्वांचकता होना चाहिए, तुम्हारी वांछा चल रही है और मोह है ना, हमें मोह नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, झूठ बोलते हो, मतलब नहीं होता तो दुखी नहीं होते, जो पर की अपेक्षा नहीं रखता वह दुखी नहीं होता, और दुखी है इसका और कहे हमें किसी की कोई गरज नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलता है, कदम कदम पर ये जीव झूठी श्रद्धा, झूठा ज्ञान, झूठा आचरण, इसलिए झूठ बोलता कदम कदम, जरा जरा सी बात पे झट से झूठ बोल गया। तो अकंप भूमि का अकंप भाव का हुआ, अकंप भाव वह कभी भी कंपायमान नहीं होता, जैसा का तैसा जो का सो रहता है, निरपेक्ष भाव है, उसमें किसी की अपेक्षा उदय की, उपशम की, क्षय की, क्षय उपशम की कोई अपेक्षा नहीं। खुलासा करो, बस इतना ही करोगे, खुलासा करो, देखो उदय भाव तभी होता है जब उदय हो, प्रबल कारण है, प्रतिकूलता में भी अगर आपके क्रोध कर्म का उदय नहीं है तो क्रोध नहीं होगा, और उपसर्गों में भी क्रोध नहीं हुआ, और अगर उस प्यारतमो की क्रोध प्रकृति का उदय है तो आपको अनुकूलता में जरा सी प्रतिकूलता आए सो क्रोध हो जाएगा, प्रतिकूलता की कल्पना से क्रोध हो जाएगा, एक रोटी और ले कार रोटी रोटी बता, वो तो बेचारा प्रेम से तुमसे एक रोटी वाले दे और तुम उठाए गुस्से, तो चार तुम हो प्रकृति का उदय हो, क्रोध प्रकृति का, तो क्रोध का कोई प्रसंग नहीं बने तभी क्रोध, और वैसे क्रोध का प्रसंग बने तो अभी क्रोध नहीं आएगा, बाह्य कारण जो हैं वे असमर्थ हैं, प्रबल कारण कर्म का उदय है, वो उदय भाव है, और तीव्र उदय हो तो आप रोकना चाहो तो रोक नहीं पाओगे, उसको टालने की कोशिश करी दीपायन आजक ने तो टाल नहीं पाए, वे प्रसंग बन गए आकर के और उसी प्रकार का योग बन गया। इसलिए किसी के जीवन में बन जाए तो आश्चर्य मत करना, स्वयं में सावधान रखना, ऐसे कर्म बंद न जाए, क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं वो रुकता नहीं है, तो सामने वाला भी बहुत कोशिश करता है रुकता नहीं, फिर उसको दोष काहे बोले, वो भी तो जीव है, संसारी जीव है, उसके भी तो कर्म उदय होता है, तो उदय भाव तभी होता है जब उदय हो, उदय नहीं हो तो नहीं होगा, बाह्य अनेक कारणों के होने पर भी यदि उदय नहीं हो तो उस प्रकार का उदय भाव नहीं होगा, चक्रवर्ती की विभूति हो तो अभिमान नहीं होगा, गर्दर का क्षयोपशम द्वादशांग की रचना अंतर्मुक्त में कर देवा और तो अभिमान नहीं हुआ, और तुम जरा सी तुखबंदी दोलन की जोड़ दे सो मान के मार परे हैं, अलग से गाओगे, अलग से सुनाओगे, अलग से अपेक्षा रखोगे, हमें कोई प्रशंसा करे, हमें ये करे, हमें वो करे, भीतर भीतर दुखी होते रहोगे, और गर्दर महाराज का कितना क्षयोपशम है नहीं,
अनेकों विद्वानों ने बहुत से उपाय में नहीं माने, कैसी कैसी तपस्वी है मान नहीं है। तुम जरा दो उपवास कर लोगे तो देखो अभ्यास लगने लगेगा। तो उदेक भाव तभी होगा जब उदय का होगा, वहां उदय कराता नहीं है जबरन, कराता के लगाए तो फिर मिट ही नहीं सकेगा, कराता नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है कि उदय होगा तभी होगा, उदय के बिना नहीं होगा। तो फिर साहब फिर कैसे मिटेगा उदय, तो हर समय रहेगा कि कभी मंद होगा कभी तीव्र होगा मंद, और उदय तीव्र उदय में भली पुरुषार्थ नहीं चले, मंद उदय में जीव का पुरुषार्थ चले, और पुरुषार्थ करे तो उसका अभाव हो जाएगा, नहीं तो किसी की संसारी का मोक्ष होता ही नहीं। ऐसे ही औपसमिक भाव तभी होगा जब उपशम होगा, छायोपसमिक भाव तभी होगा जब छय उपशम होगा, छायक भाव तभी होगा जब छय होगा कर्म का, लेकिन पारिणामिक भाव हर समय रहे। आपने वो पांच भाव की जीव की चर्चा पढ़ी है, पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, औदयिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं, छायोपसमिक भाव के बिना कोई छदमस्त नहीं, छायक भाव के बिना कोई बोलो अरहंत सिद्ध परमात्मा नहीं, उपशम भाव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं, तो पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव ही नहीं, इसलिए वो निरपेक्ष किसी बोलो किसी की अपेक्षा ऐसे मत बोला कर। शायद बाद उदय उपशम छय छय उपशम से निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक परंपरा, और यही परिभाषा लिखी है आपकी तरफ। आलस्य नहीं करो, परिभाषाएं मनगणंत मत बनाओ, अधिपति परिभाषणे समंता सांगोपांगो अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोषों से रहित होता है लक्षण या परिभाषा। परिभाषा जो विषय को स्पष्ट कर दे, वह अकंप भूमि अकंप भाव, उस अकंप भाव में स्वयं भी तो कंप हो गए। अब जैसे मान लो ये जमीन पर भी बैठ जाए बिल्कुल ऐसी, और जमीन ऐसी नहीं है पोली हो रेता की, बिल्कुल ठोस जमीन ऐसी चीज पत्थर, और स्वयं ही ऐसे ऐसे हले तो क्या करोगे। अकंप भूमि होने पर भी स्वयं भी तो अकंप होना चाहिए। अब स्वयं ना हले और ऐसी बाबे बैठे ऊंट की सवारी पर ट्रैक्टर पर तो वो हलेगा, और स्वयं ना हलने वाली ऐसी पहाड़ पर बैठ जाए और स्वयं हले तो कोर हो गए वो, माने भूमि भी अकंप और बैठने वाला भी अकंप होना चाहिए, और आसन की अकंपता के लिए परिणाम की अकंपता होना चाहिए। इसलिए पारिणामिक भाव ज्ञान मात्र भाव अकंप है, वो अकंप दृष्टान विशेषण उसका भी है, और अकंप विशेषण समंतवत स्वामी ने श्रद्धा में भी दिया निसंगता इदम ए वेद सम चैव। हाँ एक आया इतने कम पाए सांगोवत सन्मार्गे संशयारथी परिणाम दिया कम, नाव भी तैरने वाली है ठीक बात है, लेकिन तू भी ढंग से बैठ। दृष्टांत बताया था ना, घटना ही बताई थी आपसे, पैर लटका के नीचे बैठ गया मगर आया पैर पकड़ करके खींच के ले गया, नाव में बैठा था लेकिन ढंग से नहीं है। बस में यात्रा करो बाहर खिड़की से निकालो और पीछे से आयो कर गया, लिखा रहेगा खिड़की के बाहर कोई अंग नहीं निकालो है। तुम वैसे ही बैठे ब्रेक लगाई ऐसा नीचे गिरे हो जाता है, तो भाई वो भी हाँ बैठने वाला वो भी था कम, वो नहीं साधक भी श्रद्धा की अपेक्षा कम है, फिर ज्ञान उसका कम संशय नहीं विभ्रम नहीं विमोह नहीं, और आचरण में भी उसकी अकंपता आ गई बिल्कुल, तब फिर आसन में ये अकंप जी बैठे आसन कंपायमान नहीं होता।
एक से दूसरा जुड़ा है। जब वो परम भाव से जुड़ गया, वहां से वो जुड़ा, वहां से वो जुड़ा, वहां से यहां लाइट आ गई। अब बीच में कहीं फॉल्ट होगा, यहां होगा तो वहां होगा तो वहां होगा तो यहीं में हो या तो कहीं भी हो तो अभी वो अकंप नहीं रह पाए। अकंप पड़ना, हाँ, तभी उसका सुख परम सुख है। अविच्छिन्न सुख, स्वाधीन सुख, निरपेक्ष सुख क्यों है उसका? सुख निरपेक्ष बोलो है? साधुजनों का सुख इंद्रिय और विषयों से निरपेक्ष है, क्यों है? उनका सुख इसलिए निरपेक्ष है कि उनका परिणाम निरपेक्ष है। परिणाम निरपेक्ष कैसे हो गया कि श्रद्धा निरपेक्ष है? श्रद्धा निरपेक्ष कैसे है, परिणाम निरपेक्ष कैसे है कि उसने अपने निरपेक्ष स्वभाव का आश्रय किया, इसलिए वो निरपेक्ष हो गया। विचारना,